Good morning, all of you. Can you hear me? We can start. Good morning, all of you. Can you hear me? We can start. Please reply in the question box. Can you hear me? Okay, let's start. So Nifty का ये जो पहला candle बना है 15 मिनट के chart पे, it's a inverted hammer candle. इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना है जो कि बेरिश पैटर्न है, नेगेटिव पैटर्न है, करेक्ट. और ये अगर लो टूटेगा 17,300 का, ये लो ऑलरेडी दो बार टेस्ट हो चुका है, यू कैन सी हियर. अगर ये लो टूटता है तो फॉल आ सकता है, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा. 17,300 के नीचे फॉल आ सकता है निफ्टी में, ठीक है. 17,300 के नीचे रेजिस्टेंस 17,500 के आसपास है, तो सबसे पहले हम लोग रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं. 17,500 से लेके 17,600 ये रेजिस्टेंस है. सपोर्ट निफ्टी में थोड़ा नीचे है आज. सपोर्ट एक्चुअली यही मार्क कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि 17,300 ही सपोर्ट है. अगर ये ब्रेक होता है तो 17,100 तक भी आ सकता है, ठीक है. तो निफ्टी का सपोर्ट थोड़ा सा पॉसिबल है कि ब्रेक हो सकता है, क्योंकि जैसा पहला कैंडल बना है अभी वॉल्यूम कम है, लेकिन लेट्स सी, थोड़ा वेट करते हैं, ठीक है. और बैंक निफ्टी भी चेक कर लेंगे, बैंक निफ्टी में क्या है. बैंक निफ्टी का भी पहला कैंडल बेरिश कैंडल बना है. बैंक निफ्टी में ये सपोर्ट है 37,700, ये काफी अच्छा सपोर्ट है. ये अगर ब्रेक होगा तो और फॉल आ सकता है, ठीक है. तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट है 37,600, ये सपोर्ट है. ये अगर ब्रेक होगा तो और फॉल आ सकता है. बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस जो है वो थोड़ा नीचे आ गया है काफी ज्यादा, 38,400 से लेके 38,500 ये रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का, ठीक है. यहां पर क्लियर है. अगर ब्रेक होगा तो फॉल आएगा, फिर बड़ा फॉल आ सकता है. अगर ब्रेक होगा तो बड़ा फॉल आ सकता है. 17,300 तो टूटेगा तो 17,100 तक भी निफ्टी आ सकता है. ये जो गैप है ना, यहां तक टेस्ट हो सकता है ये लेवल, तो फॉल आ सकता है. थोड़ा कॉशियस रहेंगे, यू कैन सी हियर, करेक्ट. नहीं, एवरी टाइम रिट्रेस्ट होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, नंबर वन रीजन. और ऐसा आप कॉन्फिडेंसली 100% मत मानो कि ब्रेक होगा ही होगा, ठीक है. ओवर कॉन्फिडेंस में ट्रेड नहीं लेना है. लेट इट ब्रेक, सस्टेन होने दो 17,300 के नीचे, तब हम लोग ट्रेड लेंगे. अभी फिलहाल ओवर कॉन्फिडेंस में ट्रेड नहीं लेना है, थोड़ा वेट करेंगे, ठीक है. दो कैंडल ऑलरेडी, दो कैंडल में 100 पॉइंट जा चुका है निफ्टी, यस और नो. अगर आप दो कैंडल देखो 15 मिनट का, दो कैंडल, तो 100 पॉइंट निफ्टी हाई से गिर चुका है, करेक्ट, ठीक है. स्टॉक स्कैनिंग करते हैं, शॉर्ट ट्रेड पे थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे आज, और ऑप्शंस राइटिंग स्ट्रेटेजी भी लेंगे, ठीक है. तो ऑप्शंस राइटिंग स्ट्रेटेजी लेंगे हम लोग, और शॉर्ट ट्रेड पे थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे. ऑप्शंस राइटिंग स्ट्रेटेजी मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए, 17,300 अगर ब्रेक हो रहा है तो उसके बाद लेना चाहिए, तो थोड़ा सा वेट करेंगे हम लोग. आज मेटल काउंटर्स में शॉर्ट है, नेशनल एल्यूमिनियम, टाटा स्टील, ये सब काउंटर शॉर्ट है. आज मेटल काउंटर्स में कुछ प्रॉब्लम है, वो शॉर्ट है. बीएल चेक करते हैं, बीएल में काफी अच्छा ट्रेड लग रहा है. बीएल चेक करेंगे, नेशनल एल्यूमिनियम शॉर्ट के लिए ट्रैक ट्रेड चेक करेंगे, नेशनल एल्यूमिनियम और बीएल. ये देखो 17,300 आ गया है. मेटल काउंटर्स में आज शॉर्ट हो रहा है, मेटल काउंटर शॉर्ट की तरफ ध्यान देंगे, और बीएल देखते हैं बाई की तरफ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बीएल. इसमें क्लियर शॉर्ट है, इसमें ब्रेकडाउन हुआ है यहाँ पर. नहीं, 117 का लेवल ब्रेक होने दो, उसके बाद ट्रेड करेंगे. 117 का लेवल ब्रेक होने दो, इसमें ये लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लेवल ब्रेक होने दो, उसके बाद ट्रेड करेंगे.
बीएल में फ्रेश ब्रेकआउट है क्या? है, लेकिन इसमें भी सस्टेन नहीं हुआ है, तो थोड़ा वेट करते हैं। और कोई स्टॉक देखते हैं, और कोई स्टॉक रेडार पर है क्या? यस, बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज पीएल दोनों होल्ड है, दोनों होल्ड है। वेट वन मिनट, और कोई स्कैनर के हिसाब से चेक करते हैं, कोई स्टॉक रेडार पर आ रहा है क्या? नहीं, इसमें भी नहीं स्टॉक है नहीं आज। आज वॉल्यूम कम है, आज वॉल्यूम कम है, आज वॉल्यूम ज्यादा नहीं है इतना। चलो, दो तीन स्टॉक आए रडार पर। प्रेस्टीज, प्रेस्टीज आया है, लिंडे इंडिया आया है, ये दो स्टॉक आए रडार पर, प्रेस्टीज और लिंडे इंडिया। ये कौन से स्टॉक है ये भी चेक करेंगे। एक तो प्रेस्टीज आया है, प्रेस्टीज चेक करते हैं। प्रेस्टीज और एक आया लिंडे इंडिया। ये दो स्टॉक रडार पर आए हैं, इसको मार्केट वॉच में ऐड करते हैं। इसमें क्लियर ब्रेकआउट है, आंसर इज यस। अगर आवरली चार्ट देखे ज्यादा अच्छा लग रहा है क्या? यस, इसमें क्लियर ब्रेकआउट है और काफी अच्छा पैटर्न है, इसमें काफी अच्छा पैटर्न है। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ा स्कोप है ये एरिया में, कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ से निकलना चालू हुआ है अभी, सस्टेन करेगा ना तो फिर बड़ा मूवमेंट कर सकता है। तो इसको जरूर मार्केट वॉच में ऐड करके रखो, प्रेस्टीज को मार्केट वॉच में ऐड करके रखो। इसको ट्रेड मैं दूंगा आपको, थोड़ा सस्टेन होने दो, उसके बाद ट्रेड लेंगे। निफ्टी सॉरी लिंडे इंडिया ट्रेड नहीं लेंगे, लिंडे इंडिया में ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसने एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लिया, वापस गिर गया, तो इसमें हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। एक प्रेस्टीज कॉन्फिडेंस वाला ट्रेड मिल रहा है, बट निफ्टी गिर रहा है तो थोड़ा वेट करेंगे, उसके बाद ट्रेड लेंगे, ठीक है? एक काम करते हैं, हम लोग ऑप्शंस राइटिंग स्ट्रैटेजी पहले इंट्राडे वाला ले लेते हैं, एक्सपायरी स्ट्रैटेजी, करेक्ट, ये ले लेते हैं हम लोग पहले। निफ्टी एक्सपायरी डे स्ट्रैटेजी पहले ये ले लेते हैं हम लोग। टाइप कर रहा हूं मैं, वेट वन मिनट। ये डेली बेसिस पे मत करना, पिछले बार एक स्टूडेंट ने किया था, 17,000 का कुछ लॉस हो गया था। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी डे के लिए है, ठीक है? क्योंकि इसमें फिर एकदम सडन मूवमेंट आता है तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो ये स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ थर्सडे के लिए, एक्सपायरी डे के लिए। और आज के दिन ही ट्रेड करना है। ट्रेड करो। मैसेज मिला क्या? चेक, मैसेज मिला चेक कर लो एंड ट्रेड करो। रिप्लाई इन द क्वेश्चन बॉक्स, डन। मैसेज मिला मेरा, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज कंफर्म, ट्रेड करो एंड रिप्लाई इन द क्वेश्चन बॉक्स, डन। ट्रेड कर लो, रिप्लाई इन द क्वेश्चन बॉक्स, डन। निफ्टी का स्ट्रैटेजी है, करेक्ट। ये सब लेवल टू का स्ट्रैटेजी है, ऑप्शंस लेवल टू। मिस्टर दिव्य निवार, मिस्टर विक्रांत, आप लोगों ने लेवल टू नहीं किया है। मिस्टर अंसर खलीफा, आई थिंक आपने भी नहीं किया है, तो आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा। लेवल टू कंप्लीट जरूर कर लेना, ये सब लेवल टू का स्ट्रैटेजी है, ऑप्शंस लेवल टू जो कोर्स है उसका स्ट्रैटेजी है। एक बजे स्क्वायर ऑफ करना है, करेक्ट, एक बजे ये स्ट्रैटेजी स्क्वायर ऑफ करना है।
एक से 1:30 के आसपास करफ करेंगे हम लोग, एग्जैक्टली 1 बजे का बात नहीं है, 1:30 के आसपास करफ करेंगे। यस, ट्रेड लिया है, डन, प्लीज कंफर्म ट्रेड ले लिया, प्लीज कंफर्म ट्रेड लिया आपने। कल हम लोग ने एक स्टॉक डिस्कस किया था सोलारा, आज भी चल रहा है वो सोलारा। कल हम लोग ने एक स्टॉक डिस्कस किया था सोलारा, आज भी चल रहा है सोलारा। फ्रेश कोई काउंटर आया क्या, चेक करते हैं। ट्रेड ले लिया क्या, प्लीज कंफर्म। हाँ ट्रेड लिया, ले लिया तो रिप्लाई करो क्वेश्चन बॉक्स में। ट्रेड ले लिया तो रिप्लाई करो क्वेश्चन बॉक्स में। इंट्राडे ट्रेड दे रहा हूं थोड़ा मैं, आई थिंक मेरे हिसाब से चलेगा ये इंट्राडे ट्रेड, ट्रेड ले सकते हैं। मैंने मैसेज किया है, चेक कर लो, इंट्राडे ट्रेड मैंने दिया है, ये प्राइवेट ग्रुप में दिया है, क्योंकि ज़्यादा कन्विक्शन नहीं है, ठीक है, ज़्यादा कन्विक्शन नहीं है तो मैंने प्राइवेट ग्रुप में दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं दिया है। ऑप्शनल है, आपको ट्रेड करना है करो, नहीं करना मत करो, ऑप्शनल है, ज़्यादा कन्विक्शन वाला ट्रेड नहीं है, क्लियरली बोल रहा हूँ, प्योरली इंट्राडे, थोड़ा बहुत प्रॉफिट आया स्वरफ कर देना। जो अभी मैंने स्ट्रेटेजी दिया है ये 1:30 के आसपास स्क्वायरऑफ करना है, 1:30 बजे के आसपास आपको स्क्वायरऑफ करना है, 1:30 के आसपास। ठीक है, मैंने कुछ इंट्राडे ट्रेड दिया है, चेक कर लो, बट ज्यादा कन्विक्शन नहीं है इसमें। अगर निफ्टी यहां से गिरेगा तो ये ट्रेड में प्रॉफिट आ जाएगा मेरे हिसाब से, तो इसलिए मैंने ट्रेड दिया है। एक तो नेशनल एल्यूमिनियम शॉर्ट दिया है, इसमें काफी अच्छा वॉल्यूम हो रहा है, और एक मनापुरम फाइनेंस शॉर्ट दिया है, ये दोनों मैंने शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड में दिया है, बट इतना कन्विक्शन वाला ट्रेड नहीं है, इतना कन्विक्शन वाला ट्रेड नहीं है, एक और कैंडल बन सकता है, फॉल आ सकता है, इसलिए मैंने दिया है। नेशनल एल्यूमिनियम में आपको दिख रहा होगा काफी अच्छा ब्रेकडाउन है यहाँ पर, और यहाँ तक ही आ सकता है 115-16 तक, तो 115 का ही मैंने टारगेट दिया है। मनापुरम फाइनेंस में 121 का मैंने टारगेट दिया है। अगर आप ये मनापुरम फाइनेंस का मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या, प्लीज रिप्लाई। इसमें बन रहा है इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न, उल्टा फ्लैग पैटर्न बन रहा है, इसमें दिख रहा है क्या, प्लीज रिप्लाई। उल्टा फ्लैग पैटर्न बन रहा है, ये जा सकता है नीचे, इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न बन रहा है, इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न, ये जा सकता है नीचे। मनापुरम फाइनेंस इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न बन रहा है, जा सकता है नीचे, तो मनापुरम फाइनेंस पे थोड़ा ध्यान देना। नेशनल एल्यूमिनियम मैंने 2 शॉर्ट ट्रेड ही दिए हैं, क्योंकि निफ्टी थोड़ा वीक लग रहा है।
स्कैनिंग करते हैं, और कोई स्टॉक इतना कन्विक्शन वाला ट्रेड नहीं है, तो थोड़ा प्रॉफिट आएगा तब बुक कर लेना। मतलब ज्यादा ऐसे एकदम शॉर्ट शॉर्ट नहीं है कि ये टारगेट आएगा ही आएगा, उतना हाई कन्विक्शन ट्रेड नहीं है, वॉल्यूम कम है आज। और देखते हैं और कोई स्टॉक रेडार पर आया है क्या, चेक करते हैं। कौन सा स्टॉक आया, एपीपी लिमिटेड, ये कौन सा स्टॉक है अभी फ्यूचर में, APLL, APLL, ये कौन सा स्टॉक आया। एलेम्बिक फार्मा है क्या, APLL, एलेम्बिक फार्मा है, हाँ एलेम्बिक फार्मा फ्यूचर, इसमें ब्रेकडाउन आया है एलेम्बिक फार्मा में, सपोर्ट पे है आवरली चार्ट पे, गिरेगा तो फिर यहाँ से और जा सकता है, ये सपोर्ट पे ही एलेम्बिक फार्मा, ये भी शॉर्ट आया है, पर थोड़ा वेट करेंगे। निफ्टी देखो 17,300 का रेस्पेक्ट कर रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे, एलेम्बिक फार्मा भी शॉर्ट में आया है, लेकिन 17,300 होल्ड कर रहा है, रेस्पेक्ट कर रहा है, दो तीन बार ट्राई किया नीचे जाने का लेकिन वापस ऊपर आ रहा है, तो थोड़ा स्मार्टली ट्रेड करना पड़ेगा। अब 10 बजे का कैंडल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 बजे तक अगर ये नीचे रहता है 17,300 के नीचे, तो फिर नया फ्रेश फॉल चालू होगा, ऐसा है। प्रेस्टीज भी होल्ड कर रहा है, मनापुरम फाइनेंस डेज लो पे आया, कोई हाई कन्विक्शन ट्रेड ही नहीं है, वॉल्यूम कम है आज, लेकिन वॉल्यूम इतना नहीं है स्टॉक्स में। एपीएल है और कोई बाय में आया है क्या काउंटर, नहीं बाय में भी नहीं है। स्टार सीमेंट एक आया है बस, स्टार सीमेंट, ये कौन सा स्टॉक है, इसमें भी वॉल्यूम कम है। प्रेस्टीज है, सोलारा करके एक स्टॉक हम लोग ने कल डिस्कस किया था, सोलारा, ये चल गया आज, उसका पैटर्न भी सही नहीं था। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कल, यस और नो, सोलारा याद है, कितने लोग को याद है, सोलारा हम लोगों ने डिस्कस किया था, बट ये पैटर्न के हिसाब से हम लोगों ने इसको इग्नोर किया था, आज चार्ट का ऊपर है ये, प्रॉपर कप पैटर्न बन रहा है इसमें, करेक्ट, थोड़ा सा वेट करेंगे, वेट करेंगे, थोड़ा ट्रिकी लग रहा है मार्केट, थोड़ा ट्रिकी लग रहा है, थोड़ा वेट करेंगे। वॉलेटाइल है आज, आज ट्रेंडेड नहीं होने वाला, आज वॉलेटाइल होने वाला है, 17,300 वापस रेस्पेक्ट किया है, 17,300 देखो रेस्पेक्ट कर रहा है, ट्राई कर रहा है कि 10 बजे का कैंडल 17,300 के ऊपर क्लोज हो। अभी तक कोई भी बड़ा स्टॉक रडार पर आया नहीं है, जैसे एक्सिस बैंक, HDFC, ऐसा कोई भी स्टॉक बड़ा स्टॉक रडार पर आया नहीं है, बाइंग में कोई भी स्टॉक रडार पर नहीं है। स्ट्रेंथ देख लेते हैं एक बार, कहां से स्ट्रेंथ है, कहां से वीकनेस है, वो भी चेक कर लेते हैं, कोई भी स्टॉक स्ट्रेंथ में है ही नहीं आज। बैंकिंग स्टॉक्स तो सब नेगेटिव है, निफ्टी 50 में देखते हैं कौन सा स्टॉक है पॉजिटिव। सिप्ला आज पॉजिटिव है, सिप्ला, सिप्ला में ब्रेकआउट है, ठीक है, सिप्ला थोड़ा पॉजिटिव है, हीरो मोटो थोड़ा पॉजिटिव है, हीरो मोटो भी चल रहा है, टाटा मोटर्स थोड़ा पॉजिटिव है,
बट इसमें इन्वर्टेड हैमर बना है। टाटा कंज्यूमर्स थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है, कंज्यूमर्स है थोड़ा पॉजिटिव, आंसर इज यस। इसका पैटर्न थोड़ा ढंग का लग रहा है, यस इसका पैटर्न थोड़ा है अच्छा। यहाँ पे अगर ये लेवल निकाल देगा ना तो आराम से 740 730 तक जा सकता है। ये टाटा कंज्यूमर थोड़ा लग रहा है बेटर ट्रेड है, एक इंट्राडे ट्रेड हम लोग लेंगे। बजाज ऑटो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ठीक है तो टाटा कंज्यूमर ले लेते हैं इंट्राडे ट्रेड, ये बेटर लग रहा है थोड़ा। इसका चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा बेटर है, प्योरली इंट्राडे, ज्यादा हाई कन्विक्शन नहीं है। वॉल्यूम देखो आप, नीचे वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है, तो कम क्वांटिटी करना, 500 क्वांटिटी करना और 5-7 रुपये 8 रुपये मिल जाए तब निकल जाना है, ऐसा ट्रेड है ये, ठीक है। प्योरली इंट्राडे है, कम क्वांटिटी करना, ज्यादा कन्विक्शन वाला ट्रेड नहीं है। मैंने मैसेज किया, ज्यादा कन्विक्शन वाला ट्रेड नहीं है। कन्विक्शन वाला ट्रेड मैं सिर्फ इसी में दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ही दूंगा। जो कन्विक्शन वाला ट्रेड नहीं है वो हम लोग सिर्फ प्राइवेट टेलीग्राम में दे देंगे। मतलब प्राइवेट टेलीग्राम में बाकी भी ट्रेड्स मिलेंगे, लेकिन जो लेस कन्विक्शन वाले हैं वो ट्रेड्स इसमें जाएंगे टेलीग्राम में। व्हाट्सएप पे सिर्फ हाई कन्विक्शन वाले ट्रेड मिलेंगे। फिर भी चलना चालू हो गया है देखो। नहीं आज थोड़ा ये कंप्लीट होने तो एक्सपायरी, उसके बाद बैंक निफ्टी का स्ट्रेटेजी लेंगे हम लोग, उसके बाद बैंक निफ्टी का स्ट्रेटेजी लेंगे। एक्सपायरी थोड़ा कंप्लीट होने दो। टाटा कंज्यूमर चलना चालू हुआ, मुझे लग रहा है ये ब्रेक कर देगा 17,300। मनापुरम फाइनेंस डेज लो पे आया, शॉर्ट दिया है मनापुरम फाइनेंस, मैंने डेज लो पे आ चुका है। दस बजे का कैंडल का वेट करेंगे। आई डोंट थिंक कुछ बड़ा मूवमेंट आने वाला आज। आज एक्सपायरी इसी रेंज में रहेगा, साइलेंट एक्सपायरी है, ज्यादा कोई एक्सपायरी में एक्शन नहीं है। ज्यादा ट्रेड्स है नहीं आज, थोड़ा वेट करेंगे। इंडेक्स में भी डायरेक्शन क्लियर नहीं है, 17,300 ब्रेक होगा तो ही फॉलो होगा। इंडेक्स में भी डायरेक्शन क्लियर नहीं है तो ज्यादा ट्रेड्स है नहीं, थोड़ा वेट करेंगे हम लोग। टाटा कंज्यूमर चलना चालू हुआ ना, टाटा कंज्यूमर चलना चालू हुआ, अभी मैंने बाय दिया और टाटा कंज्यूमर चलना चालू हुआ, यस 713 हो गया, 710 में दिया है अभी, ये थोड़ा चलना चालू हुआ, इस पे ध्यान दो, 714 हो गया टाटा कंज्यूमर, अभी मैंने बाई दिया है, 714 हो गया, 710 में दिया है। प्योर इंट्राडे ट्रेड है, 500 क्वांटिटी ट्रेड करो, 5-6 रुपए मिलता है निकल जाओ, सिंपल है, वैसा ही मार्केट है एक्चुअली। मनापुरम फाइनेंस में भी आपको प्रॉफिट आ रहा होगा और नेशनल एल्यूमिनियम में भी आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ रहा होगा। तीन ट्रेड दिए, तीनों में थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आ रहा है। तीन ट्रेड दिए मैंने, तीनों में थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ रहा। थोड़ा वेट करेंगे हम लोग, 10 बजे का कैंडल क्लोज होने दो, उसके बाद ट्रेड लेंगे। थोड़ा वेट करके ट्रेड लेंगे। हाँ मैंने भी सिर्फ एक्सपायरी स्ट्रेटेजी लिया है, मैंने भी ये स्टॉक्स में ज्यादा ट्रेड नहीं लिया है क्योंकि हाई कन्विक्शन है नहीं, वॉल्यूम कम है आज। अगर आप देखो सिर्फ इंडेक्स में वॉल्यूम है, स्टॉक्स वाइज थोड़ा वॉल्यूम कम है, तो स्टॉक्स वाइज वॉल्यूम कम है इसलिए कम स्टॉक फिल्टर में आ रहे हैं, उतने ज्यादा फिल्टर में आ रहे नहीं है स्टॉक, और कोई भी बड़े स्टॉक में कोई बड़ा एक्शन नहीं है। खाली एक टाटा मोटर ऊपर था, वो भी नीचे आ चुका है ऊपर से,
बड़े स्टॉक में कोई बड़ा मूवमेंट है नहीं, बेटर है थोड़ा वेट करेंगे, वो ज्यादा बेटर लग रहा है मुझे। सोलारा एक स्टॉक है, रडार पर है। शॉर्ट में कोई काउंटर आया है क्या? शॉर्ट में एपीएल ही है बस, एलेम्बिक फार्मा ही शॉर्ट में, यही एक काउंटर शॉर्ट में, एलेम्बिक फार्मा। थोड़ा वेट ही करना पड़ेगा, कोई ट्रेड ही नहीं है कोई, आज तीन ट्रेड लिए है बस, फिल्टर में नहीं है कोई स्टॉक। 17,323। नहीं, एक्सपायरी स्ट्रेटेजी में पैनिक होने का जरूरत ही नहीं है, अगर आप सिनारियो बनाओगे ना तो आपको समझ में आएगा। इस लेवल के आसपास अगर 130 तक रहता है निफ्टी, तो आपको इजीली एक एक लॉट में तीन से टोटल स्ट्रेटेजी में 3 से 4 हजार रुपए इजीली आ जाएगा। 130 तक खाली इसी रेंज में रहना चाहिए, बट मुझे, मेरा व्यू अगर बात करें, मुझे लग रहा है आज मार्केट थोड़ा बेरिश है और फॉल आ सकता है। मुझे लग रहा है मार्केट थोड़ा बेरिश है और फॉल आ सकता है, 17,200 तक भी आ सकता है निफ्टी। हाँ, ये मेरा व्यू है, मुझे ऐसा लग रहा है। मेरा व्यू थोड़ा बेरिश है और शॉर्ट की तरफ थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहिए, इसलिए मैंने दो शॉर्ट ट्रेड दिए, एक ही बाय ट्रेड दिया है। 10 बज गया क्या? 10 बजे का कैंडल चेक करते हैं, 3 मिनट बाकी है। ठीक है, 10:01 पे हम लोग स्कैनिंग करेंगे। या 17,150 से लेके 17,400, ये हमारा रेंज है। करेक्ट, यस, ये हमारा रेंज है 450, 17,100 से 450 तक है। हमारी स्ट्रैटेजी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से रेंज में ही एक्सपायरी होगा मुझे लग रहा है। रेंज में होगा तो 14K मिलेगा, ठीक है ना? तो आप 50% टारगेट करो उसका, मतलब 6 से 5, 6-7 हजार रुपये टारगेट करो, 6 हजार रुपये, 7 हजार रुपये के आसपास प्रॉफिट मिलता है, एग्जिट कर दो, सिंपल है। हमें 100% प्रीमियम नहीं चाहिए, हमें 50% प्रीमियम मिलेगा तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो एक्सपायरी स्ट्रैटेजी जो दिया है ना, उसमें 6,000-7,000 के आसपास टारगेट करो बस, 6 से 7 हजार के आसपास आ रहा है, आप एग्जिट कर देना। दो मिनट और वेट करेंगे कोई स्टॉक अगर फिल्टर में आ रहा है तो, वरना आज थोड़ा मार्केट ट्रिकी लग रहा है। एंड मुझे लग रहा है एक्सपायरी के चलते फॉल आ सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपायरी, सेकेंड हाफ में फॉल आ सकता है। कोई स्टॉक ऐसे ज्यादा मूवमेंट आया नहीं है। ये देखो ना, एलेम्बिक फार्मा शॉर्ट आया, वही का वही है, कोई वॉल्यूम है ही नहीं इसमें, वॉल्यूम बहुत कम है, सिर्फ एक मनापुरम फाइनेंस शॉर्ट दिया, तुरंत फॉल आ गया इसमें, बाकी ऐसे तो वॉल्यूम बहुत कम है, कोई फ्रेश काउंटर ही नहीं है आज। मनापुरम फाइनेंस ही एक शॉर्ट है बस, और तो कोई शॉर्ट लग भी नहीं रहा है। स्टार सीमेंट, सोलारा, सोलारा करके कौन सा स्टॉक है चेक करते हैं, बहुत बाइंग हो रहा है इसमें। सोलारा, सोलारा करके कौन सा स्टॉक है ये?
सोलार एक्टिवा, यही हम लोग ने कल डिस्कस किया था, इसमें काफी ज्यादा बाइंग हो रहा है। ये पूरा गैप फिल कर सकता है, ये बहुत बड़ा मूवमेंट आ सकता है इसमें। निफ्टी देखो ना सस्टेन नहीं कर रहा, वापस आया 17,300 के आसपास। आवरली पे, ये आवरली चार्ट है निफ्टी, और ये कौन सा कैंडल बना है, विच कैंडल इज दिस, ये कैंडल के लो के नीचे बड़ा फॉल आ सकता है क्या, ये कैंडल के लो के नीचे बड़ा फॉल आ सकता है, 100 पॉइंट का इजीली आ सकता है फॉल, आंसर इज यस, 100 150 पॉइंट का इजीली फॉल आ सकता है, 17,150 भी निफ्टी आ सकता है, डेज लो की बात कर रहा हूं मैं, भले ही 17,150 आने के बाद वापस रिकवर कर ले, लेकिन 17,150 भी निफ्टी आ सकता है, वो भी पॉसिबल है। स्ट्रक्चर निफ्टी का खराब है, निफ्टी का स्ट्रक्चर खराब है आज। निफ्टी में 17,300 अगर ब्रेक होता है ना तो कॉल जो है कॉल वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा शॉर्ट कर सकते हैं, एक एक लॉट 17,350 का, 17,400 का, ऐसे ठीक है। 20 EMA वगैरह वगैरह ठीक है मिस्टर दिव्य नेवार, ये EMA वगैरह कैसे होता है, EMA वगैरह तभी काम करता है ना, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये 20 21 EMA है, ये मैंने प्लॉट किया है करेक्ट, EMA वगैरह तभी काम करेगा जब और कुछ सपोर्टिव मिल रहा है इसमें। अभी 17,300 मैंने आपको इंपॉर्टेंट लेवल बोला है, 17,300 के आसपास यहां पर एक, ये देखो 17,300 के आसपास ही वो सपोर्ट लेवल आ रहा है, दिख रहा है क्या, मैंने तो अभी प्लॉट किया EMA, लेकिन आपको 17,300 के आसपास ही वो EMA का सपोर्ट दिख रहा होगा, और ये कैंडल भी आप देख लो, ये कैंडल का लो भी एग्जैक्टली उसी के आसपास है, दिखा करेक्ट, ये कौन सा कैंडल बन रहा है, HW कैंडल है करेक्ट, तो इसका लो ब्रेक होगा ना तो 100 पॉइंट का फॉल इजीली आ सकता है, ये लो ब्रेक होने के बाद 100 पॉइंट का फॉल इजीली है, 17,100 भी पॉसिबल है, ठीक है इसलिए बोल रहा हूं। मार्जिन नहीं है कोई बात नहीं, तो फिर 1 बजे के आसपास 5-6 हजार रुपए मिले तब स्क्वायर ऑफ, सिंपल सिंपल रूल फॉलो करो फिर मिस्टर आंसर, 1 बजे के आसपास 5-6 हजार रुपए मिलेगा प्रॉफिट डेफिनेटली, तब स्क्वायर ऑफ कर दो। स्टॉक स्कैनिंग करते हैं, 10 बज गया है, 10 बजे का कैंडल में कौन सा स्टॉक रडार पर आया वो चेक कर लेते हैं, वरना हम लोग आफ्टरनून में ट्रेड लेंगे, आज मॉर्निंग में ज्यादा कोई स्टॉक रडार पर नहीं है, ठीक है ज्यादा स्टॉक कोई रेडार पर है नहीं आज। लेमन ट्री स्टॉक आया, लेमन ट्री, लेमन ट्री कौन सा स्टॉक है, ठीक है और कौन सा स्टॉक है, ज्यादा प्रॉपर स्टॉक आया नहीं है एक्चुअली आज रेडार पर, APL स्टॉक है, ये कौन सा स्टॉक है, SCHA, दो स्टॉक रेडार पर आए SCHA, इसका नाम ही कुछ अलग है ठीक है, और लेमन ट्री, ये दो स्टॉक रेडार पर आए, लेमन ट्री होटल्स, ये चेक करते हैं, ये दो दो मिड कैप काउंटर रेडार पर आए हैं, चेक करते हैं, एक तो यह है लेमन ट्री होटल, इसमें क्लियर ब्रेकआउट है, लेमन ट्री होटल आवरली चार्ट है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट क्लियरली है इसमें, आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, एकदम क्लियर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, दिखा क्या, एकदम क्लियर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है,
2-3 रुपया तो इजीली मूवमेंट कर सकता है, 54-55 तक इजीली जा सकता है ये, इंट्राडे आप इसमें कर सकते हो, 54-55 तक जा सकता है, ठीक है, लेमन ट्री, तो ये जरूर ध्यान देना। ये मैं ट्रेड नहीं दे रहा क्योंकि मुझे इतना कन्विक्शन नहीं लग रहा है, निफ्टी थोड़ा वीक लग रहा है, तो बाइंग वाले ट्रेड पे मैं थोड़ा कम फोकस कर रहा हूँ, बट ये 54 तक जा सकता है, 54-55 तक जा सकता है। एक और ये स्टॉक है SCH, अच्छा इसका भी पैटर्न सोलारा जैसा है, इसका भी पैटर्न सोलारा जैसा है, दिख रहा है क्या, सोलारा जैसा पैटर्न है, ये भी 10% ऊपर है, SCH, पता नहीं कौन सा स्टॉक है ये भी 10% ऊपर है, इसका भी पैटर्न सोलारा जैसा है, तो इसको सिर्फ मार्केट वॉच में ऐड करके रखो, क्योंकि ऑब्वियसली पैटर्न ही समझ में नहीं आएगा तो ट्रेड कैसे लेंगे, तो इसमें ट्रेड नहीं लेना है, सिर्फ मार्केट वॉच में ऐड करके रखना है, जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस। बाकी कोई हाई कन्विक्शन ट्रेड है नहीं आज, किसी बड़े स्टॉक में कोई बड़ा ब्रेकआउट है नहीं, तो थोड़ा हम लोग वेट ही करेंगे और उसके बाद ही ट्रेड लेंगे। पॉसिबल है 11:30-12 बजे के आसपास अगर कोई ट्रेड मिलता है तो मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा, बट अभी फिलहाल पैरामीटर्स के हिसाब से कोई ट्रेड नहीं है। थोड़ा वेट ही करेंगे। नाम क्या है स्टॉक का, SCH, ठीक है, और कोई स्टॉक देखते हैं। जीरो हीरो नहीं करते हम लोग, जीरो हीरो तो वो गैम्बलिंग हो गया ना, गैम्बलिंग सीखना है आपको मिस्टर आंसर, जीरो हीरो हीरो जीरो वो तो गैम्बलिंग हो गया, उसमें तो आप क्वांटिटी मारोगे 2-2 हजार 5-5 हजार, गैम्बलिंग करना नहीं सिखाते हम लोग। That is gambling, वो हीरो जीरो नहीं है, उसको gambling बोलते हैं। जितना gambling से दूर रहोगे उतना ज्यादा अच्छा है। प्रेस्टीज भी चल रहा है, HGS कौन सा स्टॉक है, वो आपको फिर आदत पड़ जाएगी, पता है कितने लोग ऐसा हीरो जीरो में कमा लेते हैं ना, 4,000-5,000 क्वांटिटी मार के, उनको फिर आदत पड़ जाता है, फिर वो बाकी ट्रेड नहीं लेते, फिर वो ऑप्शंस में वही हीरो जीरो के चक्कर में बड़ा क्वांटिटी ट्रेड करते हैं, 2-3 बार प्रॉफिट आ जाता है, बट उसके बाद एक ही ट्रेड में 2-3 लाख 5 लाख का लॉस कर देते हैं, तो ये हीरो जीरो जो है ना ये बहुत गंदा चीज है, इतना एक समझ लो। इसमें ब्रेकआउट अच्छा है, कौन सा स्टॉक है ये, हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन, ब्रेकआउट अच्छा है इसमें, पैटर्न भी बहुत अच्छा है इसका, डेली देखते हैं, ये देखो पैटर्न कितना अच्छा पैटर्न है इसमें, ओ हो बहुत अच्छा पैटर्न है, ये तो निकला है अभी, 3,000-4,000 इजीली चला जाएगा ये स्टॉक को तुरंत बाय कर लो शॉर्ट टर्म के लिए, कैश सेगमेंट में 3,000-3,500 के टारगेट के लिए इसको बाय कर लो। निफ्टी एक्सपायरी स्ट्रेटेजी 2,200+, यस निफ्टी एक्सपायरी स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट आएगा, मैंने आपको बोला 17,300 ब्रेक हो रहा है, देखो मैंने आपको बोला भी 10:15 का जो आवरली कैंडल है 10:15 का 17,300 आ गया है, ठीक है, और इज इट एग्जैक्टली बिटवीन आवर स्ट्रेटजी, बिटवीन आवर प्रॉफिट जोन, यस और नो, एग्जैक्टली हमारे प्रॉफिट जोन के बीच में है क्या, तो कुछ करने का जरूरत है स्ट्रेटजी में, कुछ करने का जरूरत नहीं है, कुछ करने का जरूरत नहीं है, शांति से बैठना है बस। निफ्टी चार्ट नॉट शोन, निफ्टी चार्ट क्यों देखना है आपको, निफ्टी चार्ट देखने का जरूरत ही नहीं है मिस्टर कृष्णा चंद अरवानी, लेवल टू किया है ना आपने ऑप्शंस लेवल टू, तो ये एक्सपायरी स्ट्रेटजी में निफ्टी चार्ट देखने का जरूरत ही नहीं है, लेवल टू याद करो, लेवल टू जो सिखाया है, ये स्टॉक पे ध्यान दो, ये स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए पोर्टफोलियो में ऐड कर लो,
ये स्टॉक में मूवमेंट आ सकता है, ये पूरा गैप जो है ना, ये गैप भी फिल कर सकता है। ये स्टॉक पे ध्यान दो, हाँ शॉर्ट टर्म के लिए ऐड कर लो पोर्टफोलियो में। HGS ये स्टॉक का नाम है, ये 3000, 3200, 300 तक जा सकता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए पोर्टफोलियो में ऐड करना है। स्टॉक बहुत पैटर्न बहुत अच्छा है इसका, ऐड कर लो इसको। बाकी कोई अग्रेसिव ट्रेड अभी मिला नहीं है, तो हम लोग आफ्टरनून वेबिनार में ही ट्रेड लेंगे। अभी तक हम लोग ने सिर्फ 3 ही ट्रेड लिया है, नेशनल एल्यूमिनियम शॉर्ट लिया, इसमें आपको प्रॉफिट आ रहा होगा, मनापुरम फाइनेंस हम लोग ने शॉर्ट लिया, इसमें प्रॉफिट आ रहा होगा, टाटा कंज्यूमर बाय किया, इसमें भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ रहा होगा। 3 ही ट्रेड लिया है, तीनों में थोड़ा थोड़ा माइनर माइनर प्रॉफिट है। और ये स्टॉक पे जरूर ध्यान देना, ये स्टॉक में मुझे लग रहा है कि बड़ा मूवमेंट आ सकता है, 3000, 3200, 300 तक जा सकता है ये स्टॉक। तो ये चार स्टॉक रेडार पर रख लो, लेमन ट्री रिमूव कर दो, ये चार स्टॉक रेडार पर होना चाहिए आपके। प्रेस्टीज में ट्रेड नहीं लिया हम लोगों ने, प्रेस्टीज में ट्रेड नहीं लिया है, ये चार स्टॉक में रेडार पर होना चाहिए, नेशनल एल्यूमिनियम, मनापुरम, टाटा कंज्यूमर और HGS, ये ऐड कर लो। और निफ्टी एक्सपायरी स्ट्रैटेजी में 1500 से 2000 रुपये प्रॉफिट आ रहा होगा MTM, निफ्टी का जो एक्सपायरी स्ट्रैटेजी लिया है उसमें। तो अभी जो भी ट्रेड लेंगे आफ्टरनून वेबिनार में लेंगे, अगर इन बिटवीन कोई स्टॉक मेरे रेडार पर आएगा तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। बाकी जो भी ट्रेड लेंगे आफ्टरनून वेबिनार में लेंगे, आज वॉल्यूम कम है, ठीक है। स्टार्टिंग का फर्स्ट आवर में इंडेक्स में वॉल्यूम हुआ था, इसलिए 100 पॉइंट का फॉल हुआ। बाकी स्टॉक वाइज बात करें तो स्टॉक में वॉल्यूम कम है, स्टॉक में इतना वॉल्यूम नहीं है, स्टॉक में वॉल्यूम बहुत कम है। निफ्टी मुझे लग रहा है यहाँ से फॉल आ सकता है, 17100 तक भी आ सकता है। निफ्टी थोड़ा ट्रिकी लग रहा है मुझे आज, निफ्टी का स्ट्रक्चर वीक लग रहा है मुझे। 17300 के नीचे अगर सस्टेन करेगा, सस्टेन करना स्टार्ट हुआ नहीं अभी तक, 3 बार टेस्ट कर चुका है 17300, उसके नीचे अगर सस्टेन करेगा ना 10 से 15 मिनट, तो फिर 100-150 पॉइंट का फॉल आ सकता है। तो ये जरूर ध्यान देना 17300 का लेवल पे, 3 बार ऑलरेडी ब्रेक करके वापस ऊपर आ चुका है। ठीक है, आफ्टरनून वाले वेबिनार में मिलेंगे। इन बिटवीन अगर कोई भी ट्रेड रहा तो मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूंगा। सो सी यू इन आफ्टरनून वेबिनार एट 2:30। हैप्पी ट्रेडिंग ऑल ऑफ यू।